आगे बढ़ते हैं। अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी मोहित खान का डीएनए सैंपल मैच नहीं होने पर एसपी को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि डीएनए टेस्ट में मोहित पर लगे आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी फर्जी तरीके से एसपी नेताओं को फंसा रही है और सिर्फ आरोप के आधार पर बीजेपी ने उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन किया है। तो अयोध्या गैंगरेप मामले में मोहित खान का डीएनए मैच नहीं हुआ है, बल्कि कहा जा रहा है कि उनके ड्राइवर राजू का डीएनए मैच हुआ है, जिसके बाद अब सपा हमलावर है बीजेपी पर और उसने कहा कि बेकरी और घर तो मोहित खान का गिराया गया बुलडोजर से। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में ये आया कि मोहित खान ने बलात्कार नहीं किया, लेकिन डीएनए जांच से पहले ही प्रदेश की भाजपा सरकार ने मोइन खान के सभी मकानों और दुकानों फैक्ट्रियों को बुलडोज कर दिया और उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके उनको जेल भेजने का काम कर दिया। भाजपा सरकार बलात्कारियों को बचाने का और सापा के नेताओं को फंसाने का काम करती है, ये डीएनए जांच से स्पष्ट हो गया। मोहित खान के समर्थन में उत्तरी समाजवादी पार्टी पर महंत राजूदास ने हमला बोला। महंत राजूदास के मुताबिक मोहित अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उस पर जो कार्रवाई हुई वो बहुत जरूरी थी। रविदास महरोत्रा के आरोपों को राजूदास ने मुसलमानों को खुश करने के लिए दिया गया बयान करार दिया। अपराधी, गुंडे, माफिया, मवाली के बुलडोजर चलना चाहिए। जब ये बुलडोजर चलता रहेगा तो हमारी बहन बेटियों का इज्जत यह अपराधी नहीं लूट पाएंगे। उनके प्रसह में ही बलात्कार हुआ, लड़की ने रो रो के कही है, उनके नेतृत्व में उसके आदमियों ने किया, उसने कराया, उसने किया। इसके नाते यह सरकार के ऊपर, योगी सरकार के ऊपर सिर्फ आरोप लगा देना सिर्फ मुसलमानों को खुश करने का यह नया तरीका है और कुछ नहीं। और खबर मुरादाबाद से, एसपी सांसद रुचि वीरा का बीजेपी पर निशाना। बीजेपी नेता संगीत सोम के बयान पर रुचि वीरा ने हमला बोला और कहा सबको गरिमा में रहना चाहिए, भाजपा के नेता निरंकुश हैं। ये कहना है एसपी सांसद रुचि वीरा का, जो मुरादाबाद से सांसद हैं। उन्होंने संगीत सोम पर वार किया और कहा कि सबको मर्यादा में रहना चाहिए। कि वैसे तो सबको अपनी गरिमा में रहना चाहिए और भाई भाजपा के लोग तो बिल्कुल निरंकुश है। अगर यही बात किसी विपक्ष के नेता ने कही होती तो अब तक उस पर मुकदमा भी दर्ज हो जाता। तो सबको ही अपनी गरिमा में रहना चाहिए, चाहे नेता हो या अधिकारी हो, सबको अपनी अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। और देश भर में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जनता की सुरक्षा सबसे पहले है और सड़कों पर किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना जरूरी है। अदालत ने कहा चाहे मंदिर हो या दरगाह हो, अगर वो सड़क, जलमार्ग या रेल ट्रैक में बाधा बन रहे हों तो किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना जरूरी है। और अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत सेक्युलर देश है, बुलडोजर एक्शन को लेकर उसका आदेश सभी नागरिकों के लिए होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हो। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बुलडोजर एक्शन पर रोक को बरकरार रखा है। मुरादाबाद से खबर, जहां मंचलों की दबंगई का वीडियो सामने आया। मिनी स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता के आयोजन के दौरान मंचलों पर छेड़खानी, मारपीट करने का आरोप है। हथियारों और लाठी डंडों से लैस दबंगों ने टीचर समेत कई लोगों से मारपीट की। दबंगों ने जबरन खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही छात्राओं के पास घुसने की कोशिश की, हंगामा किया। दबंगों की संख्या 20 से 25 तक रही है। आपको बता दें, मिनी स्टेडियम में माध्यमिक स्कूलों की खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था। मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र का ये मामला है। सहारनपुर से खबर है, जहां सड़क पर चलते दो बाइक सवारों के बीच कहासुनी के बाद जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो थाना चिलकाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर हापुड़ से, जहां रेप के आरोपी यूपी पुलिस के दारोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार दारोगा पर कपूरपुर थाना क्षेत्र में तैनाती के दौरान एक महिला से रेप का आरोप है।
उसे महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद करीब 2 महीने से आरोपी दरोगा फरार चल रहा है। आरोप है कि दरोगा ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। देखिए, ये एक अभियोग पंजीकृत हुआ था लगभग 2 महीने पहले। एक महिला ने थाना कपूरपुर के एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनको शादी का झांसा देकर उनका शोषण किया है। इस संबंध में विवेचना की जा रही थी और इसमें अरेस्टिंग हुई है और साक्ष्य संकलन की काफ़ी गहन कार्रवाई इसमें पूर्ण हो चुकी है। जल्दी जल्दी साक्ष्य के आधार पर इसमें विवेचना को समाप्त करके आरोप प्रेषित किया जाएगा। आज लखनऊ में सीएम योगी ने पदक वीरों का सम्मान किया। यूपी का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 सामान्य और 8 पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इन खिलाड़ियों को कुल 22,70,00,000 रुपए का इनाम दिया गया है। पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को 20,30,00,000 और सामान्य खिलाड़ियों को 2,40,00,000 रुपए मिले हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यूपी सरकार ने इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। प्रदेश और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिन लोगों ने रोशन किया, देश के लिए मेडल जीता, मेहनत की और प्रतिकूल परिस्थिति होने के बावजूद उन्होंने देश के लिए खेला और नाम आगे बढ़ाया, उन सबको सम्मानित किया गया। श्री प्रवीण कुमार ने स्वर्ण पदक जीत करके आज उन्हें 6 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से आज यहां पर सम्मानित किया गया है। श्री सुहास एलवाई ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में खेल विभाग के सचिव भी हैं। उन्हें लगातार दूसरी बार ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त होने पर उन्हें 4 करोड़ रुपए की राशि से यहां पर सम्मानित किया गया है। श्री अजीत सिंह इटावा के पैरा एथलेटिक्स हैं, जेवलिन थ्रो में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया, इन्हें 4 करोड़ रुपए की राशि से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सुश्री प्रीति पाल ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की हैं और इन्होंने पैरा एथलेटिक्स में 100 मीटर और 200 मीटर में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके लिए इन्हें 2 पदक प्राप्त होने पर, कांस्य पदक प्राप्त होने पर 4 करोड़ रुपए की राशि इन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। सुश्री सिमरन पैरा एथलेटिक्स हैं, 200 मीटर की दौड़ में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, 2 करोड़ रुपए की राशि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम हेल्पलाइन और संपूर्ण समाधान दिवस की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त रुख अख्तियार किया। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और हीला हवाले की शिकायतें मिल रही थी। इसमें देवरिया, भदोही, गोंडा, ललितपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर से लेकर आजमगढ़ और मिर्जापुर शामिल हैं। इन जिलों के शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत के निस्तारण के फीडबैक पर 70% तक असंतोष जाहिर किया है। मुख्यमंत्री ने ऐसे जिलों के डीएम और एसएसपी को मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है और माना जा रहा है कि लापरवाह डीएम और एसएसपी की रिपोर्ट मिलते ही बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मुख्य सचिव ने इन जिलों के डीएम एसएसपी को फटकार लगाई, सुधार करने के निर्देश दिए तो वही मुख्य सचिव समीक्षा बैठक की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने वाले हैं और जानकारों की माने तो रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकते हैं। और मुंबई से बहुत बड़ी खबर है, फिल्म अभिनेता गोविंदा के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए हैं। लाइसेंस रिवॉल्वर को साफ करते वक्त बताया जा रहा है कि गलती से गोली चल गई। आज सुबह 4:30 बजे ये हादसा हुआ और ये भी कहा जा रहा है कि गोविंदा के रिवॉल्वर का लॉक खुला था। गोली लगने के बाद गोविंदा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल गोविंदा खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो फिल्म अभिनेता गोविंदा को पैर में गोली लगी और कहा जा रहा है कि रिवॉल्वर की सफाई करते वक्त अचानक से गोली चली, उसका लॉक खुला रह गया था।
जिसके बाद सुबह 4:30 बजे लॉक खुला रहने की वजह से सफाई के दौरान गोली चल गई। ये गोली उनके पैर में लगी है। हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सब कुछ ठीक है, अस्पताल में भर्ती है गोविंदा और इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने गोविंदा के पैर से गोली निकाल ली है। मैनेजर ने गलती से गोली चलने का दावा किया है। हाथ से रिवॉल्वर गिरने के बाद गोली चली। ऑफिशियली ये गोविंदा के मैनेजर ने सूचना दी है। गोविंदा ठीक है, गंभीर चोट नहीं है, अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराए गए हैं। गोविंदा खुद को रिवॉल्वर से गोविंदा की गोली लगी, रिवॉल्वर का लॉक खुला रह गया था और लॉक खुला रहने की वजह से गोली चली। और गोली चलने की घटना को लेकर गोविंदा ने अपने ऑडियो संदेश में क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा के वजह से गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। मथुरा के थाना बरसाना के सहार गांव के पास हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई और दूसरा झुलस गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दोनों मजदूर लोहे की सीढ़ी लेकर जा रहे थे। तो हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। ये मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया काम करने के दौरान और पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ है। इसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन इसकी मृत्यु हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज जरूर सामने आया है। और खबर ललितपुर से है, जहां तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली जाने वाली केरल एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होने से बची है। रेल प्रशासन की गलती के चलते ट्रेन को ललितपुर के पास टूटी पटरी पर दौड़ा दिया गया है और बताया जा रहा है कि ट्रैक पर काम कर रहे रेल कर्मियों ने उसे रोकने के लिए लाल झंडे दिखाकर कोशिश की लेकिन ट्रेन नहीं रुकी और फिर रेलकर्मी ट्रैक छोड़कर भाग खड़े हुए। जब ट्रेन ड्राइवर की नजर लाल झंडी पर पड़ी तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, लेकिन तब तक ट्रेन के 3 कोच इंजन के साथ टूटी हुई पटरी से आगे निकल चुके थे। अचानक लगे ब्रेक के चलते कोच में जोरदार झटका लगा और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है।